नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होते ही अयोध्या नगरी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसके बाद से ही अब यहां जमीन खरीदने की होड़ भी मची है। विधायकों से लेकर अधिकारियों के रिश्तेदारों तक ने यहां पर जमीन खरीदी है। जैसे जैसे मंदिर का निर्माण हो रहा है, उतनी तेजी से यहां प्लॉट खरीदे जा रहे हैं और जमीन खरीदने वालों में विधायक, मेयर, राज्य ओबीसी कमीशन के सदस्य, डिवीजनल कमिश्नर, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और राज्य सूचना आयुक्त के रिश्तेदार तक शामिल हैं। इस बीच यहां जमीन खरीद में हुई गड़बड़ी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी सामने आया। दरअसल दलित समुदाय के लोगों से खरीदी गई जमीन में हुई गड़बड़ी की जांच कर रहे अधिकारियों के 4 रिश्तेदारों ने ट्रस्ट से जमीन खरीदी है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ये जमीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में ली गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि किसने कितनी जमीन खरीदी है और इसके लिए कितने पैसे दिए हैं। अयोध्या में डिवीजनल कमिश्नर एमपी अग्रवाल के ससुर केशव प्रसाद अग्रवाल ने बरहटा मांझा में 10 दिसंबर 2020 को 31 लाख रुपए में एमआरवीटी से 2530 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। उनके बहनोई आनंद वर्धन ने भी उसी गांव में उसी दिन 15,50,000 रुपए में एमआरवीटी से 1260 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। पुरुषोत्तम दास गुप्ता 20 जुलाई 2018 से 10 सितंबर 2021 के बीच अयोध्या में मुख्य राजस्व अधिकारी थे, अब वो गोरखपुर में अपर जिलाधिकारी हैं। उनके बहनोई अतुल गुप्ता की पत्नी तृप्ति गुप्ता ने अमरजीत यादव के साथ पार्टनरशिप में 12 अक्टूबर 2021 को बरहटा मांझा में 1130 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। ये जमीन एमवीआरटी से 21,88,000 रुपए में ली गई। वहीं अयोध्या जिले में गोसाईगंज के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी ने 18 नवंबर 2019 में बरहटा मांझा में एमआरवीटी से 30 लाख रुपए में 2593 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। 16 मार्च 2021 को उनके बहनोई राजेश कुमार मिश्रा ने राघवाचार्य के साथ मिलकर बरहटा मांझा में सूरजदास से 47.40 लाख रुपए में 6320 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। 26 जुलाई 2020 और 30 मार्च 2021 के बीच डीआईजी के पद पर रहे दीपक कुमार अब अलीगढ़ में डीआईजी हैं। उनकी पत्नी की बहन महिमा ठाकुर ने 1 सितंबर 2021 को एमवीआरटी से 19.75 लाख रुपए में 1020 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। ये भी बरहटा मांझा में खरीदी गई है। लखनऊ में रहने वाले यूपी कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी उमाधर द्विवेदी ने 23 अक्टूबर 2021 में बरहटा मांझा में एमआरवीटी से 39.40 लाख रुपए में 1680 वर्ग मीटर जमीन ली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।